हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम का टाइम है, मैंने अपनी वीडियो को शाम से स्टार्ट किया, लगभग 5:30 बजने हैं शाम के टाइम में। और यहाँ पे मैं हूँ लखनऊ में, और यहाँ का जो एरिया है अभी पूरी तरीके से आसपास के बहुत सारे प्लॉट्स खाली हैं। मैं भी बाहर का व्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा था ये। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठंडा, मतलब गर्मी में काफ़ी ज़्यादा राहत देता है आपको, बिकॉज पूरी एरिया खुले खुले हैं ना, तो हवाएं अच्छे से आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये लोग भी चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पहले रोड तक, हमें लेना है रिक्शा तो कुछ दूर, तो हमें पैदल चलना ही होगा। आओ फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भिंडी का खेत भी यहीं पर है, क्योंकि जिनकी प्लॉट नहीं बने हैं या जिन्होंने एक्स्ट्रा प्लॉट लिया घर के पास में ही, तो उन्होंने वहाँ पर सब्जी वगैरह लगा दिया है। ये रहा भिंडी का प्लॉट जिसमें उन्होंने भिंडी लगा रखी है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं आप सबके लिए। और जो नए हों चैनल पे, सब्सक्राइब बिना किए ना जाएं, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही महत्व मायने रखता है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। इस घर को नाम से जाना जाता है, काफ़ी बड़े स्पेस में और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ के मतलब घर वगैरह बने हुए। मैं आपको किसी दिन इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम ऑटो में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं हेडिल, और देखते हैं हेडिल जाके हमें करना क्या है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, मार्केट निकले हैं, बहुत चीज़ों का लिस्ट बना के निकले हैं। और यहाँ पे सिद्धू भी रूठ गए क्योंकि ये सो के उठे थे, और इनको हम लेके बाहर चले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली आज मेरा मन था कि चलो गोलगप्पे खाते, यहाँ का जो गोलगप्पा है बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनकी शॉप पे आई। और मैंने सोचा कि आप सबको भी इनसे रूबरू कराऊं, बिकॉज़ कभी आपका लखनऊ आना होता है, खासकर गौरी मार्केट के पास में जो लोग रहते हैं उन्हें मतलब इनकी चाट और गोलगप्पे खा के बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से खाया तो इनका टेस्ट मुझे भूला नहीं गया। और होता ना कई बार कहीं जगहों का, जैसे मुझे लखनऊ में ये जगह अपने पास में ही बहुत ही मतलब अच्छी पसंद आई, और जैसे कोलकाता में वहाँ के गोलगप्पों की तो बात ही अलग है। तो ये यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि नंबर मतलब वेट करना पड़ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ शाम के समय, और शाम को जल्दी स्टार्ट हो जाती है, शाम के समय से यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ के गोलगप्पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी गोलगप्पे और चाट्स के लुक भी, आपको देख के आपके मुंह में जरूर पानी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ के जो गोलगप्पे हैं बहुत महंगे नहीं हैं, 10 रुपए प्लेट में हैं, और 30 रुपए प्लेट आपकी चाट है। और ये ना भैया जो है, इनसे मैं यही बात की थी, शादी ब्याह की बुकिंग भी लेते हैं, जैसे शादी ब्याह में होता है चाट वगैरह और गोलगप्पों के लिए स्टॉल लगाना होता है, तो ये उसकी भी बुकिंग लेते हैं, मतलब किसी खास शादी ब्याह हुआ या परीक्षा वगैरह, जो भी जहाँ पे यूपी साइड जो लोग जैसा करते हैं तो वहाँ पे ये बुकिंग लेके जाते हैं। इनका यहाँ पे बुकिंग का नंबर भी दिया, ऑर्डर और बुकिंग का नंबर, जैसे आप जिनको बुकिंग करना हो तो वो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इनका वीडियो बना रही थी तो भैया हंस रहे थे, और उनको मैंने बोला कि आपको भी आप बताओ आप वाइटी पे आओगे, तो इसलिए उनको ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हैं, पर यहाँ के आप अगर एक बार खा लोगे तो आपके मुंह में भी लग जाएगा ये, तो फिर दिल्ली वाली बात यहाँ पे नहीं मिल पाती, क्योंकि दिल्ली में उतना कुछ खास नहीं है, खा तो लेते हैं लोग लेकिन वहाँ जो चाट और गोलगप्पे के मामले में कुछ भी नहीं है, जैसे यूपी और वहाँ पे वेस्ट बंगाल साइड जो बात है वो यहाँ नहीं। यहाँ पे मैं और सिद्धार्थ अंदर बैठे हुए हैं, मैं आपको अंदर का एरिया भी दिखाती हूँ, जैसे कि लेडीज़ हैं जैसे जो बैठ के चाट वगैरह खाना चाहें, तो अंदर का भी एरिया है जहाँ पे ये देखो चाट काफ़ी यम्मी और टेस्टी लग रहा है, आपको देख के ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा।
जो लोगों को पसंद आता, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, सबको उनके मुँह में देख के चाट और गोलगप्पे पानी तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये सबका फेवरेट होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा चाट बन चुका है और आ भी चुका है। ये देखिए इसका लुक कितना, मतलब देखने में यमी लगता है। तो यहाँ पे मेरा और इनके पापा का बन के आ चुका है। उसके बाद रुद को भी ये चाट आ रही है, थी हमने 3 प्लेट ऑर्डर किया है। और सिद्धार्थ गोलगप्पे खाएंगे, कि चाट में थोड़ी मिर्ची होती है, तीखा चटपटा होता है, उनको नहीं सम मतलब तीखा लग जाएगा, इसलिए सिद्धार्थ के लिए गोलगप्पे मंगाया है, वो गोलगप्पे खा लेंगे। या फिर गोलगप्पे बच्चों को प्लेट में इस तरीके से मिलती है, देख के आपको इसको भी लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चाट खा लेती हूँ और आप भी मेरे साथ चाट इन्जॉय कीजिए। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करती हूँ, मिलूँगी फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।